आगामी 3 सितंबर को मथुरा में होने वाले अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन मथुरा मार्ग स्थित होटल बसेरा ब्रजभूमि में किया गया, जिसमें परिषद के पदाधिकारियों ने आगामी 3 सितंबर को होने वाले विराट राष्ट्रीय सम्मेलन की सफलता को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने सहभागिता की। इस बीच गत दिनों पूर्व होटल बसेरा में हुई चोरी का सफल अनावरण करने पर व्यापारियों द्वारा वृंदावन पुलिस का नागरिक अभिनंदन भी किया गया, जिसमें कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार दुबे, उप निरीक्षक शैलेंद्र शर्मा आदि का पटका उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर जोशीला स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता ने कहा कि वैसे समाज की राजनीति की भागीदारी के लिए और संगठन को विस्तार देने के लिए सम्मेलन को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में कराने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के अध्यक्ष रामकिशन अग्रवाल ने वृंदावन पुलिस के कार्यों की प्रशंसा के साथ आगामी सम्मेलन और वैश्य एकता को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने जानकारी दी। ये 3 सितंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन अग्रवाटिका मथुरा में करने का निर्णय लिया गया है और जिसमें पूरे ब्रज क्षेत्र के नव निर्वाचित सांसदों का सम्मान का कार्यक्रम तथा ब्रज क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं रजनीकांत महेश्वरी, उनकी अध्यक्षता में करने का निर्णय लिया गया है। इसमें भारत सरकार के मंत्री को भी आमंत्रित करने का काम किया है, साध्वी निरंजन ज्योति सहित कई मंत्री संभवतया इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ ही विगत दिवस जो घटना बसेरा होटल में घटित हुई थी उसके संदर्भ में यहाँ के पुलिस प्रशासन ने जो घटना का वर्कआउट किया, पैसा बरामद किया और दोषी को जो गिरफ्तार किया है उसके लिए पुलिस के अधिकारियों को आज हम लोगों ने सम्मानित करने का निर्णय लिया है कि जिससे घटना खुल सकी और निश्चित रूप से उम्मीद है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। अगर घटना किसी प्रकार से अगर घटित होगी तो निश्चित रूप से पुलिस की सक्रियता इस बात की परिचायक है, इस बात की द्योतक है। जहां पुलिस की कार्यशैली की आलोचना करते हैं वहीं अभिनंदन करने में भी ये व्यापारी समाज पीछे नहीं रहता है। इसी दृष्टि से आज यहाँ के अधिकारियों का हम लोगों ने सम्मानित करने का निर्णय लिया। कल भी जो समस्या जो घटना घटी थी वो कमरे से जो रुपए चले गए थे उस मामले में कल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से व्यापारी मिले थे। हाँ मिले थे, ज्ञापन दिया था और मांग की थी कि अविलंब घटना का पर्दाफाश किया जाए। उसी समय संकेत मिलने लगे थे कि घटना लगभग खुल चुकी है और रुपया बरामद हो चुका। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस अपराधियों को तो पकड़ लेती थी लेकिन रुपया बरामद नहीं हो पाता था। इस घटना की सबसे बड़ी सफलता और खूबी यही रही कि रुपया बरामद हुआ और अपराधी भी पकड़ा गया। इससे लगता है कि घटना सही दिशा की ओर पहुंची और घटना को सही अंजाम देने का काम पुलिस के अधिकारियों ने किया है, इसलिए समस्त पुलिस के अधिकारी बधाई के पात्र। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।